हाय एवरीवन, आइए समझते हैं चोक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग समझाइए। तो चोक कुंडली की बात कर लेते हैं तो उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है, जिसका व्यवहार बिना किसी विद्युत ऊर्जा के नष्ट किए ही किसी धारा की शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे शक्ति का उपयोग शून्य के बराबर होता है। ठीक है, मोटर प्रवर्तक की बात कर लेते हैं, यह एक उच्च प्रतिरोध है जिससे दिष्ट धारा मोटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे मोटर स्टार्ट करते समय प्रारंभ में जब मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, जब मोटर की कुंडली से होकर अति उच्च धारा नहीं प्रवाहित हो सके, ठीक है, अन्यथा कुंडली के जलने का भय रहता है। ठीक है, सो थैंक यू।